गुरु जी, आंखें जो कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको दिखाने के लिए, उनकी पहचान के लिए मनुष्य के पास बहुत जरूरी होती है। जब आंखों में दृष्टि कमजोर हो जाती है, आंखें कमजोर हो जाती हैं, तो व्यक्ति एक तरह से आश्रित हो जाता है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि सामान्य चलता हुआ खान पान, एक सामान्य जिंदगी में हर एक व्यक्ति के साथ ऐसी समस्या आ जाती है, आजकल तो सबके साथ आ रही है, आंखें उनकी कमजोर होती जा रही हैं, इसकी इतने व्यापक स्तर पर इस रोग का फैलने की वजह किस चीज को मानते हैं आप? देखिए, हमारा गलत खान पान जी, नाजियों का छिलका, सब्जियों का छिलका, नरम छिलके वाले फल, इनमें जो गुण है इनकी व्याख्या करना बड़ी मुश्किल है, बहुत ज्यादा। जितने भी पदार्थ हैं जिनका से छिलका सख्त है, उनके अंदर की गिरी के अंदर गुण है, और जिनका नरम छिलका है उनके छिलके के अंदर गुण है। छिलके के अंदर आयोडीन, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सब कुछ छिलके साथ। अब जिसको विटामिन ए की कमी पड़ेगी उसकी आंखों की रोशनी कम होगी। जब आप धुली हुई दालें खाएंगे, छिली हुई सब्जी खाएंगे, चना हुआ आटा खाएंगे, तो अंदर जाके ये ऐसे बैठता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। परंतु यदि इनका छिलका साथ में गया तो आपका लीवर पूरा पचाएगा, पैंक्रीज इंसुलिन बनाएगी, पित्त में तेजाब नहीं बढ़ेगा और गुर्दा आपका साफ रहेगा। खून जब अच्छा जाएगा, तिल्ली को मिलेगा, तिल्ली दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिलेगी, रोग कहां से आएगा? बिल्कुल। परंतु जब हम इन चीजों को निकाल के फेंक देते हैं तो रोग दिन दुगने रातें चौगुने बढ़ता है। मैं तभी तो कहता हूं कि स्वस्थ विचार आश्रम में आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांस से संतान उत्पत्ति कराना, नमर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयां बनाता हूं। और मैं नाड़ी वैद्य हूं, मैं रोगी से नहीं पूछता, कोई कागज पत्थर नहीं देखता, किसी मशीन से टेस्ट नहीं करता। जिस दिन रोगी ने अपना उपचार कराना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूं, नाड़ी परीक्षण में पैर से तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमियां मिलती हैं फिर वो दवाइयां दी जाती हैं। अब जिसकी आंखों का चश्मे का नंबर हर महीने या 15 दिन में बदलना पड़ रहा है, उसको चाहिए कि इस टाइम गाजर और पालक दोनों भरपूर मात्रा में मिल रहे हैं। 3 हिस्से गाजर का रस, 1 हिस्से पालक का रस पीना शुरू कर दें, सुबह, दोपहर और शाम को 3 गिलास रोज पिए। एक तो आपका पेट बड़ा अच्छा साफ होगा जी। और 1 महीने में जो नंबर चश्मे का बढ़ता जा रहा था वो घटना शुरू हो जाएगा। 2.5-3 महीने आप इसको पी लेते हैं तो आपका चश्मा निकाल के फेंक देना, आपके चश्मे की जरूरत ही नहीं। और ऐसे मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, खीरा, करेला, इनके अंदर विटामिन ए सबसे ज्यादा है। और हरी पत्तेदार सब्जियों में जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो आंखों में किसी किस्म की कमी नहीं आती। जितना नमक हम कम खाएंगे उतने हम ज्यादा सुखी रहेंगे। जो नमक होते वो और ऊपर से डालते वो अत्याचार है, फिर उनकी आंखों में तो चश्मा लगेगा। यानी ज्यादा नमक जो है, जो इतना हमें शरीर को चाहिए उतना तो ऑटोमेटिक फलों में, सब्जियों में, दालों में, नाजों में है, परंतु जीभ के स्वाद के लिए थोड़ा सा आपने डालना है तो आयोडीन नमक नहीं डालना, सिंधा या काला नमक डालते हैं
तो आपको इतना नुकसान नहीं करता। आयोडीन जो है एक किस्म का, ऐसे समझो जैसे किसी के गले में फंदा लगाना है। ये आपके रोगों को बढ़ाने में एक किस्म का अमृत का काम करता है। आज जो मैं नारी प्रश्न में अनुभव कर रहा हूं, जो ज्यादा आयोडीन खा रहे हैं उनको गले का कैंसर, लीवर का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, दिल का कैंसर, खून का कैंसर, किडनी का कैंसर बड़ी तेजी से पकड़ता जा रहा है। परंतु नाड़ी परीक्षण के बाद जब उनको बताया जाता है, देखिए आपका नमक टोटली बंद है और सब्जियां आपको छिलके वाली, पत्तेदार ज्यादा, नरम छिलके वाली लेनी, सख्त नहीं लेनी। पहले गर्म पानी से धो सब्जी को, फिर ताजे पानी से धो के तब बनाओ छिलके के साथ। और दवाइयां दी जाती हैं, तो जिस दिन रोगी आंखों की कमजोरी वाला आता है, जब आंखों में दवाई उसके लगाई जाती है, तो 10 मिनट के बाद वो खुद ही कहता है कि हाँ मेरी आंख में इतना परिवर्तन आ गया। और जिनको चश्मा लगा है, हर महीने उसका आधा पौना नंबर घटता है, 2.5-3 महीने में चश्मा उतर जाता है। क्योंकि मैंने बचपन से जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे, खान पान, सब चीजों का प्रयोग अपने शरीर पे किया है। जब कहीं चोट भी लग जाए और खून बह रहा है, तो भी हमारे पास घर में ही ऐसी चीजें हैं कि खून ऐसे बंद हो जाता है जैसे किसी नदी में बांध लगाकर उसके गेट बंद कर दे, पानी नहीं रिसता, ऐसे खून बंद होता है। अब लहसुन आप पीस करके रस निकाल के जहां से खून बह रहा है वहां पे डाल दें, एक मिनट के लिए तो वहां पे आपको बड़ा भयंकर दर्द होगा, परंतु खून बिल्कुल बंद हो जाएगा। यदि आप 15-20 मिनट के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं कि इसमें टांका लगा, तो आपको 10 गालियां निकालेगा, कहता हफ्ते का जख्म उसमें टांका लगेगा बिल्कुल। और जब उसको बताया जाता है ऐसा है, फिर नहीं करते हैं, तो लहसुन का रस रोई में भगो के उस पर ऊपर रख के और खाखी रंग की सेलो टेप लपेट देते हैं, तो वही जख्म हफ्ते में पूरा हो जाता है बिल्कुल। और जख्म भी ऐसे भरता है कि वो कट का निशान नहीं रहता जी, ये विशेषता है, कोई निशान भी नहीं रहता ना। और बिल्कुल बहुत अच्छा रहता। तो दर्शकों, इस बात का आपको विशेष ध्यान भी रखना है, ये जो नुस्खे जो बताए जाते हैं, गुरु जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी कही है कि जो भी नुस्खे आप तक पहुंचाए जाते हैं, सबसे पहले उसको स्वयं पर अनुभव किया जाता है, उनको एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके बाद ही उन नुस्खों को आप तक पहुंचाया जाता है। तभी हम कहते भी हैं कि जो भी नुस्खे, जो भी उपचार गुरु जी के माध्यम से पुस्तकों में लिखे हुए हैं, उन सभी नुस्खों को गुरु जी ने अपने कई सालों के अनुभव और अध्ययन के बाद तैयार किया है। इन नुस्खों को आप अपने जीवन में अपना लें तो ये समझें कि आपको कभी किसी दवाई की आवश्यकता ही नहीं होगी, कभी आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा। और जो भी संसार में प्राणी हैं, यदि आयुर्वेद की शरण में आते हैं, या यूं कहें आयुर्वेद के तमाम उन नियमों का पालन करते हैं, तो यकीन माने संसार में हॉस्पिटल तो होंगे, स्टाफ, नर्सिंग सभी होंगे इमरजेंसीज के लिए, लेकिन रोगी नहीं मिलेगा, क्योंकि रोगी तो अपने आप को स्वयं ठीक कर रहा होगा। ये परिकल्पना स्वस्थ विचार आश्रम की है, काफी सालों से सतत प्रयास इसके लिए किया जा रहा है, इसीलिए आप तक हम ये कार्यक्रम भी लेकर आते हैं, ताकि आप इन नुस्खों को आजमाकर अपने आप को निरोगी और स्वस्थ बनाएं।